जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर, तीन आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना, एनकाउंटर अब भी जारी। प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को भरेंगे वाराणसी से नामांकन, एक दिन पहले करेंगे रोड शो, नामांकन को ब्रांड बनाने के लिए अमित शाह की तैयारियां जोरों पर, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। पीएम मोदी की तमिलनाडु के थेनी और रामनाथपुर में दो रैली, कर्नाटक के बेंगलुरु और मंगलुरु में भी करेंगे दो रैलियां। चुनावी मौसम में नेताओं की बदजुबानी जारी, बदरुद्दीन अजमल की पीएम मोदी के लिए अपमानजनक टिप्पणी, कहा मोदी को देश से बाहर निकालेंगे विपक्षी दल। जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी पर देश दे रहा है शहीदों को श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने कहा नहीं भुला सकते बलिदान, राहुल गांधी ने भी शहीदों को किया नमन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में आज तीन रैलियां, बदायूं, शाहजहांपुर और कानपुर में सभाएं करेंगे। भोपाल में दिग्विजय को हराने के लिए उमा भारती को वापस एमपी भेज सकती है बीजेपी, सूत्रों की खबर से खबर, टिकट के लिए साध्वी प्रज्ञा की बजाय उमा का नाम आगे। सुल्तानपुर में मुस्लिमों से वोट मांगने के आरोप को मेनका गांधी ने नकारा, कहा तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है भाषण, डीएम ने चुनाव आयोग को भेजी है रिपोर्ट। यूपी में महागठबंधन की आज दूसरी साझा रैली, बदायूं में मायावती और अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। देशभर में मनाई जा रही है रामनवमी, मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, कन्याओं का भी हो रहा है पूजन।